मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सील डाइगर के हद में आने वाले भोलेनाथ नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पहाड़ी के पास एक युवक के सर पे पत्थर मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक का नाम अमजद खान है, ये भोलेनाथ नगर की रहने वाला है, जबकि पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है। आरोपी का नाम नीलेश कांबले है। आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर रात के समय अमजद और नीलेश कांबले पहाड़ी के पास शराब पीने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर नीलेश कांबले ने पास में ही पड़े पत्थर से अमजद खान के सिर पे मार दिया और अमजद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी खुद डायगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटनास्थल पर सील डायगर पुलिस और फोरेंसिक टीम भी पहुंची और शव को पंचनामा कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीनियर PI सचिन गावड़े ने बताया कि आरोपी कस्टडी में है और आगे की जाँच जारी है। सील डाइगर पुलिस के सीनियर PI सचिन गावड़े ने इस पूरे मामले में क्या बताया है, आपको सुनाते हैं। सर, आज यहाँ भोलेनाथ नगर में एक मर्डर की वारदात हुई है, क्या है पूरा मामला, मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है अमजद अजमत खान, उसका दोस्त है नीलेश नामदेव कांबड़े। ये दोनों कल रात को यहाँ पर ऊपर पहाड़ी में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दारू पिया। दारू पीने के बाद दोनों में पर्सनल रीजंस के ऊपर झगड़ा हो गया और उसके बाद नीलेश कांबड़े उसने उसके सर पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे आरोपी अरेस्टेड है, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है।